हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो में। तो अभी हम जयपुर आ चुके हैं और अभी होटल में जस्ट चेक इन किया। सो चेक इन करने के बाद जैसे हर टूर में रहता है, तो सोचा कि एक छोटा सा व्यू दे दूं आप लोगों को कि जयपुर में एक डिसेंट होटल कैसा रहता है एंड हाउ इट इज़। बिफोर हम सेटल इन करें, हमारी चीज़ें को फैलाएं, उससे पहले सोचा कि आप लोगों को एक व्यू दे दें। जस्ट पहुँचे हैं तो मुझसे समझ ही रहा होगा, जस्ट 2 सेकेंड ही हुआ है एंटर किया है और मैंने सोचा कि अभी व्यू दे देता हूँ। तो आपको सामने से मैं दिखाता हूँ कैसा है। सो दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स, यहाँ से रूम स्टार्ट होता है। देन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर उन्होंने दिया है कपबोर्ड जिस पे हमारा सामान लग चुका है, अभी खुला नहीं है। और उसके बाद आता है यहाँ पर एक मिरर, वाह बहुत सही है मिरर। यहाँ पर स्पेस भी है, नीचे कुछ रख के आप आराम से सज धज सकते हो। और ये रहा एक क्वीन साइज बेड और साइड में जैसा रहता है साइड टेबल्स बेड के, वहाँ पर भी सेम है। और उसके बाद यहाँ पर एक विंडो है जो अभी हम बंद कर रखेंगे, बहुत या सूरज की क्या बोलते हैं सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसको बंद कर रखे। और ये उसी के पास में आप जो देख रहे हो ये है सोफ़ा। तो मुझे ऐसे बेड के पास सोफ़ा वाला होटल्स अच्छा लगता है, सो ये सोफ़ा है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक लंबा सा जैसे घर पे होता है ना वैसे लंबा स्टडी टेबल बना दिया है और साइड में एक चेयर भी है, तो घर जैसा ही लगेगा। मैं एक 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ, ये टीवी भी दिया है। सो ये एंट्री, फिर वॉशरूम, फिर साइड टेबल, बेड, फिर ये रहा सोफ़ा और फाइनली हम पहुंच गए स्टडी टेबल में। तो ऐसा कुछ दिखता है। सो होटल प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसके बाद चलते हैं और एक पार्ट जो कोई भी रूम का सबसे मेन होता है, वो है वॉशरूम। ठीक है, वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। तो ये है वॉशरूम, अच्छा है जैसा आप देख रहे हो, नीट एंड क्लीन है और काफ़ी सही है। और यहाँ आपको लगेगा ना ये ख़त्म हो गया, एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर उन्होंने दिया है नहाने के लिए, दिस इज़ द स्पेस। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये पूरा नीट एंड क्लीन है, जैसा आपको दिख रहा होगा पूरा नीट एंड क्लीन है ये वाला एरिया। तो वॉशरूम ये वाला एरिया इधर है, लेफ्ट हैंड में नहाने के लिए एरिया है। सो आई थिंक सबसे अच्छा मुझे वही लग रहा है कि क्लीन है, पूरा नीट एंड क्लीन है, दैट्स द मेन थिंग। अदरवाइज वॉशरूम अच्छा नहीं हो ना तो अच्छा नहीं लगेगा भाई। एनीवेज आप कहीं भी अगर जा रहे हो तो रूम थोड़ा अच्छा ही लेना, नहीं तो एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से ही बिगड़ जाता है। एसी दिया हुआ है उधर, आप देखोगे तो मेरे पीछे दैट इज़ एसी, तो एसी भी है। और सबसे अच्छा है कि रूम स्पेशियस है, तो बोलते हैं ना अंदर घुसते ही ख़त्म नहीं हो रहा है, तो थोड़ा स्पेशियस रूम लोगे तो अच्छा लगता है। और ये होटल मालवीय नगर में है जहाँ पर ज़्यादातर होटल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये मालवीय नगर पे ही है, एग्जैक्ट लोकेशन मैं बता दूंगा नीचे। ठीक है, उसी एरिया में आप लेना, यहाँ पर होटल्स थोड़े सस्ते हैं और क्वालिटी अच्छा है। ठीक है, बाकी जगह पर हैं बट बाकी जगह पर थोड़ा कॉस्टली मुझे जितना लगा, बट आई थिंक यहाँ पर मुझे थोड़ा सही लगा मालवीय नगर में। बाकी जहाँ पर भी रहो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, चॉइस इज योर्स, बट दिस एरिया आई फेल्ट कि थोड़ा चीपर है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ होटल्स जो मिल रहा है। सो ऐसा कुछ चल रहा है, तो बाकी सामान अभी लगा देंगे, देन विल स्टार्ट आवर डे। बट बिफोर स्टार्ट करें तो ये बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को एक छोटा सा व्यू दे दें हाउ ए इकोनॉमिकल होटल लुक्स इन जयपुर। अगर आप पहली बार आ रहे हो, अगर आप पहले से आए हुए हो तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जयपुर, बट अगर पहली बार अगर आप आ रहे हो ना देन ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो आई थिंक ऐसा कुछ दिखता है। और बाकी यहाँ पर मस्त बेड है, बस नहा के आके थोड़ा सोना है, फिर विल स्टार्ट आवर डे। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सोचा कि जैसे मैं पहुंचा हूं उस चीज़ों को आपको बता दूं, सो दैट आपको हेल्पफुल होगा कैसा होटल्स होते हैं, कितने रुपए के हैं, कौन से जगह में होटल्स रहते हैं, तो एक व्यू दे दूं। तो आप अगर पहली बार जयपुर जा आ रहे हो तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो बस वही और कुछ नहीं, छोटा सा वीडियो लेकिन डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन से भरा है, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर दिस वीडियो. बट आज का दिन अभी बहुत बाकी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में देता रहूँगा. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय. कोई बेचैनी सी.